टाइगर प्रिंट फैब्रिक से बनाएंगे हम मदर डॉटर काफ्तान सेट। काफ्तान कटिंग करना बहुत ही आसान है। इस तरह से हमें कपड़ा बिछा लेना है चार फोल्ड में। देखो, एक दो तीन चार, ये वाले बंदे हिस्से हैं, ये बंदे हैं। अपनी लंबाई हमने रख ली है जितना हमें चाहिए, उसमें से भी एक डेढ़ इंच एक्स्ट्रा। उसके बाद देखो, इस साइड से हमें रख लेने हैं अपने कंधे। जितने भी आपके कंधे हैं, नॉर्मल कंधे आप रख लोगे, 13-14 जितने हैं, और अपनी गले की चौड़ाई और गले की लंबाई। गला इसमें भी गला रहेगा, ये आगे के लिए हो गया, और इसी की साइड में पीछे के लिए ये छोटा गला, ये भी कुछ इस तरह से। यहाँ पर से तो हमारा गला बन जाएगा। ये कंधा है, तो अपने कंधे में से आप अपनी स्लीव्स की लंबाई रखोगे। आपको कितना कहाँ तक लटका हुआ चाहिए, इतना ही चाहिए, इतना ही चाहिए, पूरा चाहिए, तो आप उतना रख लोगे। तो ये हमारा एक्स्ट्रा बच रहा है 14, क्योंकि इतना इतना ये यहाँ से फोल्ड होगा साइडों से। यहाँ यहाँ कोई कटिंग करनी नहीं है, ये बंद ही रखेगा, ये वाले बंदे रहेगा भी, बस बीच में गला बनेगा। यहाँ से हम अपनी लंबाई रख लेंगे। जैसे हमारे चेस्ट यहाँ पे आते हैं 10-10.5 में, तो ये चेस्ट लाइन, फिर 15 में कमर, फिर 20-21 में हिप्स, ये तीन निशान लगा लिए। अभी जो आपकी फिटिंग है उससे भी आप 4 इंच एक्स्ट्रा रखोगे, मतलब 2-2 इंच एक्स्ट्रा रखोगे। तो अपनी चेस्ट भी आप बढ़ा के रखोगे, कमर भी बढ़ा के रखोगे, और हिप्स भी बढ़ा के रखोगे। बस ये वाले निशान आपकी फिटिंग की लगेगी, यहाँ से यहाँ ऐसे, ये बाकी ऐसे लटका रहेगा। इतना ही होता है इसमें, बाकी कुछ नहीं होता। बीच में गला सिलोगे, तो इसकी ना कटिंग करनी है ना कुछ करना है। जब हम बस इसमें एक कट लगा देंगे बुकरम में, हम पेस्टिंग में गला बना के इस पे सिलेंगे, आगे पीछे साथ ही सिल के पलट देंगे। उसके बाद आप चाहो तो इस बीच में आप आगे डोरी डालने वाला कर सकते हो, पीछे इलास्टिक लगा सकते हो। इस तरह से पीछे इलास्टिक आ जाएगा, आगे कस के डोरी आ जाएगा। नीचे को लंबाई वैसी है। यहाँ को फिटिंग होने के बाद ये वाले हिस्से ऐसे लटकेंगे साइडों में। इसमें कुछ कटिंग वटिंग करने की भी ज़रूरत नहीं है। तो अभी मैं कर रही हूँ काप्तान की स्टिचिंग। देखो, काप्तान सिलने के लिए ना, जो भी ये किनारे वाले एरिया ना, इनको फोल्ड कर लेना है। इस साइड ये पूरे तरह से फोल्ड कर लिया है मैंने। आप इसमें चाहो तो लेस भी लगा सकते हो, ऐसे पॉम पॉम वाले लेस, कई तरह के लेस आते हैं जो साइडों में ऐसे लटका रहता है ना, वो वाला एरिया है ये। उसके बाद हमें ये 20 सेंटर है, 20 सेंटर में मैंने कट लगाया था, ये 20 सेंटर है ना, तो इस सेंटर पे मुझे गला लगाना है। तो देखो गला कैसे बनाया मैंने, कुछ इस तरह से। आपको लग रहा होगा ये कुछ अलग ही गला, तो यहाँ पर से इतना हिस्सा ये हमारा पीछे का गला हो गया, और ये वाला गला आगे का हो गया। इसमें कंधे वगैरह कुछ भी ज्वाइंट ऐसे करने का है नहीं, तो गला पूरा एक ही साथ बनेगा। तो जैसे ये 20 सेंटर है, तो इसका भी हम 20 सेंटर इसके साथ मिला देंगे। इसको ऐसे रखने के बाद इसके चारों तरफ ऐसे सिलाई लगा के कट कर देंगे, कट कट लगा के अंदर को पलट देंगे। फिर हम इसको ऐसे फोल्ड करेंगे, तो हमारा गला बन जाएगा आगे का आगे और पीछे का पीछे। उसके बाद जैसे गला बन जाएगा, तो ठीक मैंने यहाँ पे एक कमर के यहाँ पे निशान लगा लिया अपने यहाँ पर वाले एरिया में, वहाँ पे लगाऊंगी मैं कुछ इस तरह की पट्टी, आधे इस सेंटर से यहाँ को, आधे इस सेंटर से यहाँ को। उसके बीच डालूंगी मैं ये नाड़ा, ऐसे यहाँ से भी दो नाड़े, फिर वो कस के ऐसे यहाँ पे गांठ लगा देंगे। उसके बाद पीछे वाले पार्ट में क्या करना है, पीछे वाले पार्ट में भी ठीक जो कमर वाला एरिया है, वहाँ पे भी मैंने निशान लगा लिया है और लाइन बना लिया है। वहाँ पर भी मैंने एक इतना सा इलास्टिक रखा है। इस इलास्टिक को मैं इस कपड़े पे ऐसे रखूंगी, ऐसे खींच के सिलाई लगाऊंगी, तो ये ऐसे इसके अंदर गैदरिंग हो जाएगी, तो पीछे वाला एरिया भी सिमट के आ जाएगा। उसके बाद जैसे गला हमारा बन गया, आगे हमने नाड़ा वाला बना लिया, पीछे भी ये लगा लिया। उसके बाद इसकी जो फिटिंग होती है ना, ऐसे उल्टे साइड से नहीं होती, इसको फिर हम ऐसे फोल्ड करेंगे, और ऐसे यहाँ पर हमारा गला होगा बीच में, और फिर यहाँ पर से हम 6-6.5 अपने जो भी आर्म होल की वो दूरी होती है वो रखेंगे। यहाँ से फिर कमर में हल्का सा अंदर जाएंगे, फिर हिप्स में एक सिलाई में हम इसको सिल देंगे। जितनी आपकी जैसे कंधे से यहाँ पर जो आर्म होल है, वहाँ पर से थोड़ी सी कमर में और हिप तक उसको सिल देंगे। जो फिटिंग हम अंदर साइड डालते हैं ना, वो फिटिंग हमें बाहर के साइड डालनी है, सीधी साइड। दोनों साइड ये करने के बाद हमारे यहाँ पर फिटिंग हो जाएगी। जो ये एक्स्ट्रा कपड़ा है ये लटकेगा यहाँ पर काप्तान में दोनों साइड। इतना सरल होता है। जब ये कम्प्लीट हो जाता है तो मैं आपको दिखाती हूँ। तो ये है काफ्तान का पूरा फाइनल लुक। देखिए, गला मैंने आपको जैसे समझाया था, पूरा एक के साथ पलट के, ये पीछे और ये आगे। ये कंधे एकदम कटिंग वाले नहीं बनाए मैंने। अगर आप कटिंग वाले जैसे सूट में कटिंग करोगे कंधे, तो गला आगे का अलग पीछे का अलग भी बना सकते हो। मैंने पूरा एक ही बनाया। और जो ये सामने पट्टी लगा के डोरी, वो कुछ इस तरह से ये काम करेगा। अब देखिए, तो इसको अपने अनुसार उसको खींच के कम या ज़्यादा कर सकते हो आप अपने अनुसार। पीछे इलास्टिक लगाया मैंने यहाँ पे, ये भी आपके फिटिंग के अनुसार खींचते रहेगा। और ये आपको अगर आपको ये कम चाहिए, तो फिर आप उसकी लंबाई कम रखोगे, इतना इतना फिर मोड़ दोगे, कटिंग कर दोगे, जो भी करोगे
आपको अगर कम चाहिए तो फिर इतना ही रखोगे साइडों से, देखो अगर इतना लंबा नहीं चाहिए तो, नहीं तो फिर काफ्तान ऐसे ही होता है ढीले ढीले। देखो ऐसे करने से बराबर हो रहा है, जब हाथ नीचे करेंगे तो किनारे पे थोड़ा सा नीचे को लटक जाएगा और बीच सेंटर का कुछ ऐसा होगा। तो इस तरह के कपड़े गर्मियों में सही रहते हैं, ढीले ढाले एकदम फैले हुए। और मैंने फिटिंग कहाँ पर से सिली, यहाँ पर से अपनी चेस्ट लाइन से अपनी फिटिंग सिली, यहाँ पे हल्के कमर में लेगी और हिप्स तक, ताकि ये यहाँ से बंद होगा, देखो फिर यहाँ से नीचे को ये खुले होंगे इस तरह से। आप अगर इसको पूरा खुला छोड़ोगे तो फिर वो पूरा ही खुला होगा, पूरा यहाँ यहाँ ओपन होके दिखेगा आपका, लेकिन इसमें फिटिंग देनी पड़ती है बाहर साइड से, सीधी साइड से एक एक सिलाई देनी पड़ती है जो आपको दिख नहीं रही होगी, लेकिन वो सिलाई यहाँ पर से ऐसे यहाँ पर तक है, ताकि वो ये वाला एरिया बंद रहेगा। पर जो आपकी फिटिंग है ना उससे भी लूज, देखो मैं डोरी खोल के देखूंगी तो देखो कितना कितना लूज है ये, इतना लूज ये, तो फिर जैसे ही डोरी कसूंगी तो वो नॉर्मल आ जाएगा। इस तरह से डोरी कसने के बाद ये नॉर्मल फिटिंग में आ जाएगा, आपको जैसा चाहिए वैसा। तो इस तरह से ये वी गला था, पीछे का छोटा सा गला था ये, जो मैंने एक ही साथ सिला। तो कुछ सिलने के बाद ये है इसका फाइनल लुक।